विश्व में जो महामारी फैली हुई है वह शीघ्र दूर हो जाए ऐसी इष्ट देव से प्रार्थना करती हूँ। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जब जैनागम को पढ़ा तो इस समस्या का बड़ा ही सटीक हल निकल करके सामने आया और मुझे लगता है कि जो भी अपने आप को इस महामारी से बचाना चाहता है या अन्य भी बीमारियों से बचना चाहता है उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही लाभप्रद है। तो ये उपाय क्या है? बस ताली बजाते हुए ओम नमः मंत्र का पाठ करना है। क्या करना है? ताली बजाते हुए ओम नमः मंत्र का पाठ करना है। लेकिन आपको प्रातः काल ठीक सूर्योदय के समय ऐसे स्थान पर या छत पर जाना है जहां से सूर्योदय होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे। ध्यान रखिए, सूर्य चढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि आपको इस बीमारी से बचने के लिए सूर्य की गर्मी नहीं सूर्य की ठंडक की आवश्यकता है। तो आपको छत पर या खुले स्थान पर पहुंचकर अपने दोनों हाथ मिलाने हैं। इस प्रकार आपका एक हाथ दूसरे हाथ को पूरा स्पर्श करे, गैप या पोल नहीं होना चाहिए ताकि जब आप ताली बजाओ तो दोनों हाथों के प्रत्येक पॉइंट पर प्रेशर जाए, चाहे वो अंगुली, अंगूठा या हथेली हो। देखिए इस प्रकार। तो आपको ठीक सूर्योदय के समय अधिकतम 21 से 27 मिनट और कम से कम 5 मिनट तक 6 माइल ओम नमः इस मंत्र का ताली बजाते हुए उच्चारण पाठ करना है। देखिए इस प्रकार। ओम नमः, 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 ओम नमः। क्योंकि ये ओम बीजाक्षर सर्वविदित व सर्वमान्य पद है, इसलिए प्रत्येक धर्म व संप्रदाय में इस ओम मंत्र को समान महत्व दिया गया है एवं इस ओम बीजाक्षर को अनेक उपमाएं दी गई हैं, लेकिन उन सभी उपमाओं में दो अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली, इस बीजाक्षर को छेनी, आपकी भाषा में कहें तो क्रेशर, पत्थर तोड़ने की मशीन, जिसमें बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं जो छोटी छोटी कंक्रीट गिट्टी में बदल जाते हैं, ऐसे ही इस बीजाक्षर को पढ़ने से, सुनने से, उच्चारण करने से, ध्यान करने से आपकी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी परेशानियां भी छोटी छोटी समस्या में बदल जाएंगी, जिनका हल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और इस ओम बीजाक्षर की दूसरी महत्वपूर्ण उपमा है आरडीएक्स बारूद। जैसे 20 से 25 ग्राम बारूद पर्याप्त होती है किसी भी 8 से 10 मंजिल की बिल्डिंग को उड़ाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, वैसे ही 21 से 27 मिनट तक ओम का उच्चारण पाठ पर्याप्त है आपकी परेशानियों को हल करने के लिए, बीमारियों से काफी हद तक निजात दिलाने के लिए। तो आइए अपन सभी इस वैश्विक बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए, स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, विश्व हित के लिए संकल्प लें कि नियम पूर्वक मैं इस ओम नमः मंत्र का 6 माह तक 5 मिनट सूर्योदय के समय ताली बजाते हुए उच्चारण पाठ करूंगा। सभी का कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, विश्व में शांति की स्थापना हो, ऐसी भावना के साथ ओम नमः। कल ओम नमः मंत्र के पाठ को समझा था, आज उसी ओम नमः मंत्र के ध्यान को समझें, क्योंकि ध्यान के माध्यम से पाठ में
विशेषता आ जाती है। इससे सालों का काम महीनों में, महीनों का हफ्तों में, हफ्तों का घंटों में और घंटों का सेकंडों में हो जाता है। इसलिए आप जो ओम नमः मंत्र का पाठ कर रहे हैं उसका शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक पाठ करें। अर्थात जब आप प्रातःकाल ताली बजाते हुए ओम नमः मंत्र का पाठ करें तभी पाठ के साथ ही ओम का ध्यान करें। पाठ के साथ ध्यान कैसे किया जाता है सुनिए। आप यदि 5 मिनट का पाठ करते हैं तो पाठ का उच्चारण करते हुए ही लगभग 2 मिनट तक उगते हुए बाल सूर्य को देखें, फिर आंख बंद करके बाल सूर्य के ऊपर सफेद रंग का ओम देखें, जो इस प्रकार दिखेगा। इस चित्र को देखिए, ऐसा ही सफेद ओम आपको बाल सूर्य के ऊपर देखना है। अब ओम की चंद्रबिंदी को देखें। चंद्रबिंदी पर जो भगवान दिख रहे हैं, इन भगवान के स्थान पर आपको अपने मंदिर के मूल नायक भगवान को देखना है। इसके बाद आपको इसी सफेद ओम में पंच परमेष्ठी भगवान के साक्षात दर्शन करना है, जो इस प्रकार होंगे। ओम की पहली घुंडी में अरिहंत परमेष्ठी को गंध कुटी सहित देखना। गंध कुटी को आप चित्र में देखिए। गंध कुटी में पहले इस स्फटिक मणि का चौकोर चबूतरा होता है, जो बेदी कहलाती है। इसके ऊपर ध्वजारोहण की तरह गोल 3 चबूतरे होते हैं, जिन्हें कटनी भी कहते हैं। इनमें पहला गोल चबूतरा वैडूर मणि का, दूसरा स्वर्ण का, तीसरा अनेक प्रकार के रत्नों का होता है। इस रत्न चबूतरे के ऊपर बीच में अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष के आगे पूर्व दिशा में रत्न जड़ित स्वर्णमय सिंहासन होता है। सिंहासन के ऊपर सहस्रदल कमल होता है। कमल के 4 अंगुल ऊपर साक्षात अरिहंत परमेष्ठी विराजमान होते हैं। भगवान के सिर के ऊपर चांदी के 3 छत्र, सिर के पीछे भामंडल और भगवान के ऊपर देव 18,000 प्रकार के दिव्य पुष्पों से पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान के दोनों तरफ चवर ढूंढते हैं। गंध कुटी में 24 घंटे देव दुंधवी बजती है और भगवान के भामंडल के पीछे दिव्य ध्वनि के रूप में सफेद ओम देखना चाहिए। इस प्रकार गंध कुटी होती है। ऐसी गंध कुटी सहित आप अरिहंत परमेष्ठी को ओम की पहली घुंडी में देखें। यदि आपको गंध कुटी सहित साक्षात अरिहंत परमेष्ठी ना दिखें तो आप मंदिर के भगवान को भी देख सकते हैं, लेकिन साक्षात अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान विशेष ध्यान कहलाता है और प्रतिमा जी का ध्यान सामान्य ध्यान कहलाता है और दोनों के फल में भी बहुत अंतर होता है। इसलिए गंध कुटी सहित साक्षात अरिहंत परमेष्ठी को देखने का ही प्रयास करना चाहिए और यदि ना दिखें तो भगवान मंदिर के भगवान को भी देख सकते हैं। फिर ओम की चंद्रबिंदी पर इस स्फटिक मणि की प्रतिमा जैसे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी को देखें। यदि अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी ना दिखें तो इस चित्र की तरह 24 तीर्थंकर सिद्ध परमेष्ठी को देखें, लेकिन इनमें आदिनाथ भगवान, वासुपूज भगवान और नेमिनाथ भगवान, इन 3 भगवानों को पद्मासन में देखना, शेष 21 भगवान को खड़गासन में देखें। फिर ओम की दूसरी घुंडी में आशीर्वाद की मुद्रा में आचार्य परमेष्ठी को देखें। फिर ओम की
मात्रा में उपाध्याय परमेश जी को देखें। ओम की तीसरी घुंडी में ज्ञान ध्यान में लीन साधु परमेश जीयों को देखें। चित्र में देखिए मुनिराज पर्वत पर पेड़ के नीचे नदी के किनारे ध्यान कर रहे हैं, कोई मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं। इस प्रकार आप ओम में पंच परमेष्ठी भगवान को देखते हुए ओम नमः मंत्र का पाठ करें, क्योंकि यही ओम का ध्यान कहलाता है और यही आपका ओम नमः मंत्र का ध्यान सहित पाठ करना कहलाएगा। इससे आपको गारंटी से 5 फायदे हो सकते हैं। पहला, महान अतिशयकारी पुण्य का संचय होगा। दूसरा, विशेष कर्म निर्जरा होगे। तीसरा, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। चौथा, रोग बीमारियां दूर होगी। पांचवा, सबसे बड़ा फायदा, शांति मिलेगी। और जहां शांति होती है वहां सुख तो स्वयं आता है। अतः ओम नमः मंत्र का पाठ अवश्य ही करें, लेकिन ध्यान रखिए पाठ करते समय ओम में पंच परमेष्ठी भगवान को देखते हुए भी ओम नमः बोलना और ताली बजाना बंद नहीं होना चाहिए। अतः मन से ध्यान करना, मुख से ओम नमः बोलना और हाथों से ताली बजाना, ये तीनों कार्य एक साथ करें तो निश्चित ही आप बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। ये जैन दर्शन की गारंटी है, किंतु शर्त है। इस उपाय को सही विधि से किया जाए तो 100% सफलता मिल सकती है। आप सभी ने कल ओम नमः मंत्र के पाठ को समझा था, आज उसी ओम नमः मंत्र के ध्यान को समझें, क्योंकि ध्यान के माध्यम से पाठ में विशेषता आ जाती है। इससे सालों का काम महीनों में, महीनों का हफ्तों में, हफ्तों का घंटों में और घंटों का सेकंडों में हो जाता है। इसलिए आप जो ओम नमः मंत्र का पाठ कर रहे हैं उसका शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक पाठ करें। अर्थात जब आप प्रातःकाल ताली बजाते हुए ओम नमः मंत्र का पाठ करें, तभी पाठ के साथ ही ओम का ध्यान करें। पाठ के साथ ध्यान कैसे किया जाता है समझिए। आप यदि 5 मिनट का पाठ करते हैं तो पाठ का उच्चारण करते हुए ही लगभग 2 मिनट तक उगते हुए बाल सूर्य को देखें, फिर आंख बंद करके बाल सूर्य के ऊपर सफेद रंग का ओम देखें, जो इस प्रकार दिखेगा। इस चित्र को देखिए, ऐसा ही सफेद ओम आपको बाल सूर्य के ऊपर देखना है। अब ओम की चंद्रबिंदी को देखें। ओम की चंद्रबिंदी पर जो भगवान दिख रहे हैं, इन भगवान के स्थान पर आपको अपने मंदिर के मूल नायक भगवान को देखना है। इसके बाद आपको इसी सफेद ओम में पंच परमेष्ठी भगवान के साक्षात दर्शन करना है, जो इस प्रकार होंगे। ओम की पहली घुंडी में अरिहंत परमेष्ठी को गंध कुटी सहित देखना। गंध कुटी को आप चित्र में देखिए, गंध कुटी में पहले इस स्फटिक मणि का चौकोर चबूतरा होता है, जो वेदी कहलाती है। इसके ऊपर ध्वजारोहण की तरह 3 गोल चबूतरे होते हैं, जिन्हें कटनी भी कहते हैं। इनमें पहला गोल चबूतरा वैडूर मणि का, दूसरा स्वर्ण का, तीसरा अनेक प्रकार के रत्नों का होता है। इस रत्न चबूतरे के ऊपर बीच में अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष के आगे पूर्व दिशा में रत्न जड़ स्वर्णमयी सिंहासन होता है। सिंहासन के ऊपर सहस्रदल कमल होता है और कमल के 4 अंगुल ऊपर साक्षात अरिहंत परमेष्ठी विराजमान होते हैं। भगवान के सिर के ऊपर
चांदी के तीन छत्र, सिर के पीछे भामंडल और भगवान के ऊपर 18,000 प्रकार के दिव्य पुष्पों से देव पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान के दोनों तरफ चवर ढूंढते हैं। गंध कुटी में 24 घंटे देव दुंदुभी बजती है। भगवान के भामंडल के पीछे दिव्य ध्वनि के रूप में सफेद ओम देखना चाहिए। इस प्रकार गंध कुटी होती है। ऐसी गंध कुटी सहित आप अरिहंत परमेश्वरी को ओम की पहली घुंडी में देखें। यदि आपको गंध कुटी सहित साक्षात अरिहंत परमेश्वरी ना दिखे तो आप मंदिर के भगवान को भी देख सकते हैं। फिर ओम की चंद्रबिंदी पर इस स्फटिक मणि की प्रतिमा जैसे अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी को देखें। यदि अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी ना दिखे तो इस चित्र की तरह 24 तीर्थंकर सिद्ध परमेश्वरी को देख सकते हैं, लेकिन इनमें आदिनाथ, वासुपूज और नैमिनाथ इन तीन भगवान को पद्मासन में देखना, शेष 21 भगवान को खड़गासन देखें। ओम की दूसरी गुंडी में आशीर्वाद की मुद्रा में आचार्य परमेश्वरी को देखें। ओम की मात्रा में उपाध्याय परमेश्वरी को देखें और ओम की तीसरी गुंडी में ज्ञान ध्यान में लीन साधु परमेश्वरियों को देखें। चित्र में देखिए मुनिराज पर्वत पर पेड़ के नीचे नदी के किनारे ध्यान लीन है। कोई मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं। इस प्रकार आप ओम में पंच परमेश्वरी को देखते हुए ओम नमः मंत्र का पाठ करें, क्योंकि यही ओम का ध्यान कहलाता है और यही आपका ओम नमः मंत्र का ध्यान सहित पाठ करना कहलाएगा। इससे आपको गारंटी से 5 फायदे हो सकते हैं। कितने 5 फायदे हो सकते हैं? पहला, महान अतिशयकारी पुण्य का संचय होगा। दूसरा, विशेष कर्म निर्जरा होगी। तीसरा, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। चौथा, रोग बीमारियां दूर होगी। पांचवा, सबसे बड़ा फायदा, शांति मिलेगी। और जहां शांति होती है वहां सुख तो स्वयं आता है। अतः ओम नमः मंत्र का पाठ अवश्य ही करें, लेकिन ध्यान रखिए पाठ करते समय ओम में पंच परमेश्वरी भगवान को देखते हुए भी ओम नमः बोलना और ताली बजाना बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए मन से ध्यान करना, मुख से ओम नमः बोलना और हाथों से ताली बजाना, ये तीनों कार्य एक साथ करें तो निश्चित ही आप बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकल सकते।